सब अपनी अपनी सक्सेस मांगने आए हैं, सब हम जो भी गाते हैं परफॉर्म करते हैं सब एक दूसरे से अलग है, हम सब दोस्त हैं, तो कोई कंपटीशन जैसा नहीं है, पर अपने लिए बेस्ट पापा से मांगने के लिए आए हैं। रॉ तो कुछ नहीं मांगे, वापस है पापा से यही दुआ है, ऐसे ही कुछ सरस्वती माता से आप अपने लिए प्रे कर लें कि ये सारे जो हम आर्टिस्ट हैं उन लोगों के बस ऐसे ही खुशहाली ज़िंदगी चलते रहे और ऐसे ही म्यूजिकल सफ़र जो है वो मरते दम तक वो चलते रहे ऐसे ही। जी मैं तो अपनी बात बता देता हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है जैसे यहाँ पे आके, तो लाइक मैं पहले कभी ऐसे पंजाब से हूँ तो लाइक गुरुद्वारा जाते हैं तो पहली बार गणपति जी की पूजा में मैं आया हूँ, तो अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं ये नहीं विश करूँगा कि हाँ मैं जीतूँ या ये जीते या वो जीतूँ, मैं सिर्फ ये विश करता हूँ कि हाँ सभी जो हम लोग हैं भी सभी जो जनता उनके दिलों में बसते रहें हमेशा, मैं सिर्फ ये विश। माई विश लिस्ट इज़ नथिंग बट टू मेक श्योर, लाइक वी सेड हम लोग एक बहुत बड़ी रॉ स्टार की फैमिली है और कॉम्पिटिशन तो है बट हेल्दी कॉम्पिटिशन है, हम चाहते हैं कि जनता जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करे वो जीते, बाकी हम तो वैसे ही सिंगर्स हैं, बाकी भी कोलैबोरेट करेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम लोग हर रिहर्सल, जब हमारी पहली रिहर्सल चालू हुई थी तब भी हमने रिहर्सल हॉल में गणपति बाबा की आरती की थी और हमारे घर में रोज़ सुबह गणपति बाबा की आरती एक ना एक कोई आदमी करता है, अगर हमसे नहीं हो पाता है तो कोई घर में जो खाना बनाते हैं या सिक्योरिटी है, कोई ना कोई तो आरती रोज़ हमारे घर में होती है। मैं कभी बचपन से ही मेरी कंपटीशन मेरे खुद के साथ रही है, मैं मेरे साथ मतलब हमेशा मुझे मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट करना था, मैं मतलब ये सब मेरे बहुत ही प्यारे अच्छे दोस्त हैं और बेहतरीन सिंगर्स हैं, तो अगर मैं इनको कंपटीशन में रखता हूँ तो मैं कहीं नहीं आता, मैं हमेशा अपने आप पे वर्क करता हूँ और आगे भी अपने आप पे ही वर्क करता रहूँगा। मैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। मुझे यहाँ के अच्छा लगा, पहली बार मैं ऐसे मंडल गणपति के यहाँ पे दर्शन ले रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है और बड़ी खुशी हुई, मन को बड़ी शांति मिली। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.